हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाद्रिस गुड लाइफ। तो आपको पता चल गया होगा कैप्शन देख के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था कि हम लोग इस बार आसाम से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जा नहीं पाए थे कोविड की वजह से। तो अभी आपको पता होगा शायद कि दिस ईयर मैंने शादी किया था फेब्रुआरी में। तो शादी के बाद मैं कहीं नहीं गया था, इवन हनीमून के लिए भी कहीं पे नहीं गया था। तो इस बार हमने सोचा कि हमने प्लान किया कि इस बार जाएंगे तो लद्दाख में जाएंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत मतलब ये मेरा ड्रीम प्लेस है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे वाइफ का भी ड्रीम प्लेस है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था लेह लद्दाख जाने के लिए। तो एक तो खुशी की बात है कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली, और दूसरी बात तो यह है कि मेरे साथ मेरे वाइफ जाने वाले हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है। तो और साथ में मेरे और दोस्त भी लोग जा रहे हैं और उसके वाइफ भी जा रहे हैं, तो हम कुल मिला के 6 पर्सन जा रहे हैं टोटल। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो लद्दाख जाने का प्लान था ना, ये सिर्फ अरुणा वो का था। ये अचानक से मुझे फ़ोन करके बोला कि यार तो जाएगा क्या लद्दाख में, हम लोग ऐसे प्लान कर रहे थे। मैंने बोला यार अभी क्या कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। एक्चुअली हम लोग कोई प्लानिंग नहीं था ना इस साल जाने के लिए, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा मुझे तो पता भी नहीं है। लेकिन लेह लद्दाख में क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया फॉर टूरिस्ट, तो उसने खबर लिया था वहाँ से कि यहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेह के लिए क्या मतलब वहाँ का गवर्नमेंट ने क्या रूल्स किया कि RT-PCR चाहिए, वो भी 96 आवर्स होना चाहिए, 96 आवर्स के अंदर होना चाहिए। से एग्जांपल जैसे हम लोग 11 तारीख को जा रहे हैं, तो 10 तारीख जैसे आज हम लोग करेंगे तो 10 11 12 13 तो 13 तारीख तक वो वैलिड रहेगा, तो तब जाके हम लोग जा सकते हैं। अगर आप पहले करेंगे ना टेस्ट, जैसे लाइक 7 तारीख को करेंगे तो आप जा नहीं पाओगे, 7 8 9 10 आप जा नहीं पाओगे, 96 आवर्स नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसलिए आज ही टेस्ट करवा लिया ताकि हम लोग वहाँ पे जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो, और RT-PCR भी रिपोर्ट आ जाएगा कल तक आ जाएगा। तो इसलिए हमने सब कुछ इंतज़ाम करके रख दिया। एक्चुअली एक्साइटेड तो हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। फिर एक तो कुछ पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं किया है, तो पैकिंग भी करना है, सब कुछ तैयारी करना है, उसके बाद जाना है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा मैं क्या क्या पैकिंग करता हूँ, क्या क्या नहीं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक और शेयर भी करना यार, पता नहीं आप लोग शेयर नहीं करते। और जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि आप लोग वहाँ पे क्लिक करते नहीं हो बेल आइकन को, तो आपको वीडियो भी नहीं आता है सामने। तो ये बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है ना कि मेरा जो अपकमिंग वीडियो आता रहेगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज है 10 अगस्त, रात के 12:30 बज रहा है, और मुझे पैकिंग करना है, क्योंकि पैकिंग नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी मैं पैकिंग करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा मैं क्या क्या पैकिंग कर रहा हूँ, क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए, कपड़े से लेके मेडिसिन, फिर क्या क्या ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे बहुत, तो क्या उसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेके जा रहे, सब कुछ मैं बताऊँगा डिटेल्स में। तो ठीक है, आप देखिए मैं क्या क्या पैकिंग करता हूँ, तो चलो देखते हैं। तो गाइस ये देखो, ये मेरे बीवी की बैग है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है उसका पैकिंग, ये देख लो सब कुछ ले लिया। ये है उसका, ये है उसकी कैप, जो क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है क्योंकि वो पहनना ज़रूरी है, तो ये भी ले लिया, मतलब पूरा कंप्लीट है। देखो देखोगे मेरा बैग, ये देखो ये है मेरा बैग, खाली है पूरा एकदम, कुछ भी नहीं किया पैकिंग होने पे, मैं आपको बोला था ना पैकिंग नहीं किया। तो आज लास्ट डे, क्योंकि
पैकिंग करना ज़रूरी है, चाहे रात के 2 बज जाए या 3 बज जाए, मुझे कंप्लीट आज तो पैकिंग करना है, मतलब करना ही है। जल्दी हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, है ना। तो गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे ठंड बहुत है इसलिए मैंने 2 जैकेट लिया, हाफ जैकेट और एक फुल जैकेट, और ये है कैप क्योंकि ठंड तो है बहुत और साथ में हवा भी बहुत तेज़ है वहाँ पे, तो ये भी ले लिया। मेडिसिन्स लिया मैंने, यहाँ पे मेडिसिन्स की ज़रूरत है क्योंकि तो तबीयत ख़राब हो सकता है, इसलिए कुछ मेडिसिन ले लिया। और हाँ, ये मास्क मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 ही मास्क लिया और बाकी 1 टाइम जो है वो आता है वो भी मैंने कुछ ले लिया। ग्लव्स पता है क्यों? क्योंकि बाइक चलाऊंगा यार, ऑब्वियसली लद्दाख जाऊंगा तो बाइक तो चलाना पड़ेगा, तो वो भी ले लिया मैंने। और सनग्लासेस भी ले लिया क्योंकि सनग्लास भी चाहिए, बहुत धूप है वहाँ पे और फोटो तो खींचेंगे तो सनग्लास की तो ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम। परफ्यूम ले लिया, पावर बैंक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पावर बैंक, क्योंकि वहाँ पे सुना है मैंने कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, सुना है वहाँ पे शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो बाकी टाइम तो नहीं रहता है और मोबाइल भी चार्ज की ज़रूरत है, तो मैंने ये पावर बैंक भी ले लिया। ये है मेरा गिम्बल क्योंकि ब्लॉग करूँगा इसका, तो इसका तो ज़रूरत है भाई, ये भी ले लिया। हाँ, ईयरफोन भी ले लिया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, पता है इस बैग में क्या है? क्या होगा गेस करिए, DSLR है, फोटो तो खींचने आएंगे ना, फोटो तो उठेंगे ना, तो DSLR की ज़रूरत है, तो भाई इसमें फुल ऑन कैमरा है। और हाँ, और ये बूट भी मैंने ले लिया, वहाँ पे बाइक चलाएंगे तो बूट की ज़रूरत है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से, कल आया था, तो ये भी ले लेंगे। और एक कैजुअल शू भी लेंगे ताकि, ये तो बूट हमेशा पहन नहीं सकते, तो नॉर्मल कैजुअल शूज़ भी पहनेंगे जैसे लोकल्स में घूमने के लिए। और क्या दिखाऊँ आपको, हाँ और एक चीज़, हाँ डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिया, वो को वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो भी ले लिया, फोटोग्राफ्स चाहिए, मैंने 5 कॉपीज ऑफ फ़ोटोज़ मेरे वाइफ की और मेरा दोनों का ले लिया, क्योंकि वहाँ पे पासेस बनाना पड़ता है तो फोटो कॉपी तो चाहिए, इसलिए मैंने फ़ोटो भी ले लिया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, अगर चाहिए तो उनको दिखा दूँगा, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ये सब भी ले लिया, जेरॉक्स कॉपी और मेन कॉपी भी ले लिया। और लैपटॉप ये भी ले लिया, लैपटॉप क्योंकि इतने सारे मतलब ब्लॉग बनाएंगे तो मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, तो क्या करेंगे वहाँ पे जाके ये जो वीडियोज़ है या फोटोज़ है क्या करेंगे उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे, खाली करेंगे मोबाइल या कैमरा। तो गाइस मैंने कुछ चॉकलेट्स ले लिया वहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स के जो बच्चे हैं ना बहुत स्वीट होते हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चे लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि टूरिस्ट लोग आएंगे और कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लाएंगे, तो इसके लिए क्या किया मैंने, उनके लिए चॉकलेट्स ले लिया, जब जाएंगे तो चॉकलेट्स उनको दे देंगे। तो रात के 1 बज रहा है, पैकिंग करना पड़ेगा, एक नींद तो आ रहा है फिर भी पैकिंग तो करना है, तो ठीक है मैं पैकिंग करता हूँ और आप लोग मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मैं कैसे पैकिंग करता हूँ, क्या पैकिंग करता हूँ। हाँ, और एक चीज़, वहाँ पे बैक पैकिंग करने के लिए कैसे इजी ट्रिक होता है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, मेरा एक वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे इजी तरीके से बैक पैकिंग होता है, बहुत कुछ सामान ले जा सकते हो, बहुत कपड़े लेके जा सकते हो एक बैग के अंदर, तो वो कैसे करते हैं क्या पैकिंग होता है मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं पैकिंग करता हूँ, ओके।
लद्दाख, इट्स अ लद्दाख गाइस, लद्दाख, लद्दाख। चलिए तो गाइज मेरे पास बोर्डिंग पास आ गया सबका, ये देख लीजिए, क्योंकि अभी नया रूल्स है कि पहले बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, तो हमने प्रिंट आउट करवा लिया। फिर उसके बाद हम लोग को बैकटेक मिलेगा, बैकटेक कराने के बाद हम लोग लगेज को चेक इन के लिए भेज देंगे। तो गाइज अभी अभी मुझे आरटीपीसीआर का रिपोर्ट मिला, ये देखिए आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आ गया, ये देखिए नेगेटिव। तो हम लोग जा रहे सीधा लद्दाख, फाइनली लद्दाख, आवर ड्रीम्स कम ट्रू, राइट? यस। ओके गाइस, सी यू एट एयरपोर्ट, बाय।